अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से और फिट फाट होंगे। हाजिर हूँ जी एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। सबसे पहले जी आपको अपने डॉग्स दिखाते हैं। अभी अभी इनके जगह पे पानी मारा तो सारे बैठे हुए थे, मुझे देख के फिर उठ गए। पाको कल जी अपने केज में नहीं गया तो फिर हमने इसको मिली वाली जगह पे कर दिया, तो मिली को पाको वाली जगह पे कर दिया। डोरा, जैकी, ये रॉकी हमारा, ये रानी, शोला और शीला, देखो जो काजल हमारी, सारे मुझे देखते ही पहले आराम सुकून से शोला और शीला को छोड़ के बाकी सारे सोए हुए थे। मुझे देख के इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। अब ये अपने परिंदों की तरफ चलते हैं। गुल भाई भी इंतजार कर रहे हैं। ये देखें, ये रैबिट ने मार खाई है, उसके बाद ये इस जगह पे आ गए। जी तो फ्रेंड आ गए हैं परिंदों के सेटअप की तरफ। और ब्लैक हमारा शहजादा खुला हुआ था, जिस तरह के मैंने कल की वीडियो में बताया था, पर इसके मैंने निकाले हुए हैं। लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए हम पिंजरे पे छोड़ा करेंगे, उसके बाद फिर इनको अंदर कर दिया करें। चेक करें जी, माशाल्लाह नीचे वाले दो के पर अभी नहीं खींचे, क्या पता इनका भी जोड़ा खुद ही लग जाए। और कल की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि रैबिट्स को अलहदा कर दिया, लेकिन अलहदा करने के बाद भी वो बड़े वाला रैबिट जो है ना, इस फीमेल के केज के नीचे ही बैठा रहता है। ये देखें अभी भी इधर ही बैठा हुआ। और छोटा वाला जो है उसने तो हिजरत कर ली है, वो उस तरफ चला गया। ये और रैबिट दिखाते हैं जी आपको, बैठे हैं। ठीक है, ये भी जबरदस्त जा रहे हैं जी। पिजन्स और रैबिट्स तो आपको दिखा दिए, और आज की वीडियो में ये बताना था, इंशाल्लाह हो सकता है जो कल वीडियो लगे उसमें आपको जो हमारी क्वाटी गुलटेर है प्योर डस्का से जो हमें दी है आसिफ भाई ने, इंशाल्लाह कल उसका भी शौक करवाएंगे। और उम्मीद है कि कल वो हमारे सेटअप पे आ जाएगी। और उसके अलावा सियालकोट से मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं शहरी भाई, ठीक है, उनका भी काफ़ी मोहब्बत वाले पैगाम आते रहते हैं, तो मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। पिछली दफ़ा आए भी थे हमारे साथ, टाइम भी स्पेंड किया था उन्होंने। इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर वो आ रहे हैं गर्मियों में, तो इंशाल्लाह शहरी भाई दुआओं में याद रखा करें, अपना भी ख्याल रखा करें और इसी तरह से मुस्कुराते रहें। तो चलें जी अब डॉग्स की तरफ चलते हैं, नहीं बल्कि पहले हम जाएंगे बाजार, उसके बाद फिर आएंगे वापसी, फिर डॉग्स आपको बारी बारी अपने डॉग्स दिखाते हैं। हाँ जी गुल भाई, क्या हाल है? शुक्र है, अभी हम जा रहे हैं, ठीक है ना, बाजार। शकर कोला लेते वक्त आपने लड़ाई नहीं करनी, ठीक है, किसी से भी, ठीक है ना, उनको ये नहीं करना कि हमारा रोजा है। अभी गुल भाई किसी के साथ लड़ाई करें, ऐसा ही है। चलें जी अभी हम निकलेंगे बाजार के लिए फिर। जी तो फ्रेंड्स आ गए हैं वापस, और अभी अभी मैं आया हूँ तो ये बड़ी फीमेल बाहर निकली हुई थी। मैंने कहा जरा इसके साथ रिएक्शन दिखाएं वाइट रैबिट का, मेल का। ये तो भाग गई है वापस, और वाइट मेल ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। अच्छा, ये छोटा डॉन फिर अंदर आया हुआ है, और मैंने पिजन्स जो है वापस बंद कर दिए, ये ना निकल जाए कहीं तो फिर वापस ही ना आए। चेक करें जी, अभी पाइप के अंदर चली जाएगी वो, इधर से भी अंदर चलेगी। ये घर वैसे हमने बड़ा ज़बरदस्त बनाया, इंशाल्लाह कुछ दिन तक जो कंप्लीट हमने घर बनाया इसकी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हमारी फीमेल पानी पी रही है, खाना इसके आगे पड़ा हुआ है। टर्की फीमेल की दोस्तों उधर मैंने जगह बना दी थी, अंडा वो देखें उधर ही रख दिया मैंने, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इधर ही अंडा देगी। आप देखें बोल रही तो है,
जी तो फ्रेंड्स, अभी तक हम थे परिंदों वाले सेक्शन में, अब वापस आ गए हैं डॉग्स वाले सेक्शन में। आज रात को हमने जाना है कहीं काम, इसलिए मैंने कहा दिन की रोशनी में ही आप सारों को अपने डॉग्स दिखा दें। तो फिर रात को जो है टाइम नहीं होगा, एक अफ्तारी के बाद वैसे ही तबीयत सुस्त हो जाती है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, नींद भी आना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा अफ्तारी से पहले ही आपको अपने डॉग्स भी दिखा देते हैं। गुल भाई रेडी हैं जी? गुल भाई खोलें जी। पहले जी दोनों बदमाशों को खोला। चलो 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 पीछे। मैं इनकी इधर ही खड़ा होकर वीडियो बनाऊंगा ताकि जेट बॉक्स साइड बने करें। पाको भी खुल गया जी। पीछे शोले को देखिए, शोले को पाको आया पीछे। अभी वो ये उड़ के दीवार पे आई हुई थी, शुक्र है शोले नजर नहीं पड़ी, शोला तो दीवार तक आराम से पहुंच ही जाता है। आज फिर इनके पंजे भी गायब होते इनके ऊपर से। मिले मुझे लग रहा है कि कुछ दिन तक ये फीमेल हैं, हीट भी आने लगी हैं। विशीला को देखा पाको को किस तरह टक्कर मार की गई है। गुल भाई इनको डेली चेक करते हैं ना, इनका डेली चेक करते हैं, कोई ब्लड वगैरह तो नहीं पड़ा होता? डेली चेक कर रहे हैं ना। हाँ चले चल चल दादा गोला ना हो, चल पंजे मारता है इतने जोर की है। रॉकी और पाको वो देखे हूँ, तार वो निकाली हुई उन्होंने। रॉकी जो है मसला करता है पाको के साथ, लेकिन पाको इग्नोर करता है। अभी शोले को चेक करें, हमारे पाकिस्तानी बुली इंशाल्लाह जी ये जबरदस्त मेल बनेगा। आप दोस्तों ने कमेंट करके बताना शोला किस तरह का लगता है और किस तरह का मेल बनेगा। अब ये तकरीबन 9-10 महीने की होगी। और 10 महीने में यही हरकतें शुरू कर दी इसने। मिले चलो उतर चल 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 आजा जैकी बाहर आजा। शोला नो शीला शीला तू इधर नो इजी। अच्छा जी छोटी दुनिया जी चली गई थी, अब ये रानी अकेली रह गई है। रानी ये बहुत ज्यादा शोर करती है। रानी के लिए भी कोई इंटरेस्टेड हो जी रब्ता कर सकते हैं मुझे। जैकी पीछे इनका खाली जेट बॉक्स ही पड़ा हुआ, इनका भी डर ही लगता रहा। वो देखें डॉन को, डॉन ने पर अपने पूरे फैलाए हुए। चलो अंदर चलो अंदर। हाँ अंदर जाके शोर करो ना, क्योंकि सारे डॉग्स खुले हुए हैं, किसी ने भी इनको देख लिया तो फिर मसला करेंगे, खास तौर पे पाको। ये देखें पाको तो इस जाली में से देख लेता दूसरी तरफ आराम से।
और शोला और शीला तो फिर है ही, इस दीवार से तो आराम से पकड़ लें उनको। गुल भाई आज ना इनको डाइट जो है इनकी इफ्तारी से पहले ही डाल दे, क्या कहते हैं? है ना, इफ्तारी से पहले ही डाल दे। गुल भाई इन सारे डॉग में सबसे ज्यादा तंग कौन सा डॉग करता है आपको? मुझे? हाँ मुझे तो कोई भी नहीं करता। जो शोर करता हो? शोर तो ज्यादातर ये शोला करता है। शोला करता है? जी जो हमारी तितरी है ये बार बार अपनी शामत को आवाज दे रही है, समझाया तो है इसको, अब शामत को आवाज किस तरह दे रही है वो देखें। शोले की नजर पड़ी है लेकिन शोले का फोकस सिस्टम डोरा पे है, उसने इग्नोर किया। अगर शोले ने एक जंप लगाया ना वो पकड़ लेगा आराम से उसको। ये मुझे डर है इस तरफ ही ना आज इसको उधर करके आते हैं। उतर गए, चलो ए चलो उधर। ओए रॉकी डोरा इधर आ, डोरा को चेक करते हैं। शोला पीछे हो, को बंद कर दिया। अब अपनी इस शहजादी को निकाला है, देखिए इसने कोट सारा गिरा दिया, ऐसे लग रहा है जैसे हमने मशीन फेर दी हुई है। इस शहजादे को भी निकाला हुआ जी, बस थोड़ा सा ये भी घूम फिर लें, इनको भी बंद करते हैं। गुल भाई काजल को बंद कर दें। काजल आ जा, काजल चल मैक्स चल आ जा। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मैक्स जो चला गया था काजल के केज में निकल ही नहीं रहा था, फिर इन दोनों की हमने जगह ही चेंज कर दी। अब काजल की जगह पे मैक्स है और मैक्स की जगह पे काजल है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ।